स्टूडेंट क्लास 11th अकाउंट्स एंड अकाउंटेंसी में हमने लास्ट लेक्चर में हमारी परचेज रिटर्न बुक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने आपको बताया था कि परचेज रिटर्न बुक में क्या होता है। कोई भी कारण हो सकता है जिससे हमने जो माल क्रय किया है उसे हम वापस आपूर्तिकर्ता यानी विक्रेता को हम लौटा देते हैं। ठीक है, और जब हम लौटाते हैं तो उसकी हम दो प्रतियाँ बनाते हैं। एक प्रति तो हम जो आपूर्ति करता है उसको भेज देते हैं और दूसरी प्रति अपने पास रख लेते हैं। साथ में एक हम डेबिट नोट का तैयार करते हैं जितनी भी रकम का माल हमने वापस बेचा होता है। ये स्रोत्र प्रलेख के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हमने बताया था कि डेबिट नोट को डेबिट नोट क्यों कहा जाता है ना। डेबिट नोट के साथ साथ एक और एक नोट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट नोट। जब किसी पार्टी के खाते को उधार क्रय के अतिरिक्त अन्य कारणों के परिणाम स्वरूप जमा किए जाने वाले की स्थिति में क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है। सामान्यतः इस नोट को खाओ लाल शाही में लिखने का प्रचलन है और विक्रय वापसी की दशा में ग्राहक को क्रेडिट नोट जारी किया जाता है। यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है 4.7 पेज नंबर 3137 पर, उसको आप देखेंगे। उसमें लिखा हुआ है, देखिए विक्रय वापसी वही बनाई गई है जिसमें आपको दे रखा है आपूर्तिकर्ता का नाम लिखा जाता है बीच के अंदर और राशि लिखी जाती है। यहाँ पे उदाहरण में बताया है कि नीमा इलेक्ट्रॉनिक से 20 छोटे आकार के टीवी तथा 15 टेप रिकॉर्डर 182,000 रुपये में खरीदे गए हैं, जबकि सुपुर्दगी पर 2 छोटे टीवी और 1 टेप रिकॉर्डर जो था वो दोषपूर्ण पाया गया था, जिसे बाद में डेबिट नोट संख्या 03/2017 में वापस कर दिया गया। ऐसी स्थिति में क्रय वापसी बुई में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा ये आपको यहाँ बताना है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि आपने क्या किया, क्रय वापसी बुई में इस सौदे को आपने ट्रांजैक्शन कर दिया जिसमें आपने ये लिखा हुआ है कि आपने क्या क्या चीज़ें वापस की। तो आपने 2 छोटे टीवी किए तो 2 छोटे टीवी का नाम लिख देंगे आपूर्तिकर्ता के नाम के साथ में, उसका विवरण लिख देंगे, और 1 टेप रिकॉर्डर जिसकी रेट जो भी है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे और उसकी राशि लिख देंगे। अब हम डेबिट नोट तैयार करेंगे, तो जितने मूल्य की ये राशि है उससे हम एक डेबिट नोट तैयार करेंगे। डेबिट नोट आपके सेकंड प्रश्न पे दिया गया है। देखिए, नोट जारी करने वाली फर्म का नाम होगा, लिखा है आपूर्तिकर्ता का नाम, ऊपर सबसे पहले फर्म का नाम, जारी करने की तिथि लिखेंगे, डेबिट नोट है आपूर्तिकर्ता यानी जिसको हमें डेबिट नोट भेज रहे हैं उसका नाम, उसके सुपुर्दगी के अनुसार माल, चालान संख्या, वापस किए गए माल का ब्यौरा लिखेंगे, रुपये केवल लिखेंगे यहाँ पर, जितनी भी राशि है, और यहाँ पर मैनेजर अपना हस्ताक्षर कर दिया। डेबिट नोट का एक प्रारूप तो ये है। अब इसके साथ नोट जारी करने वाली फर्म का नाम, जैसे होता है कि फर्म का पता, जारी करने की तिथि, क्रेडिट नोट है, जिस ग्राहक को माल बेचा था उसको हम, उस ग्राहक का नाम, माल, ग्राहक से माल वापसी, चालान संख्या, वापस किए गए माल का ब्यौरा और रुपए साइड में लिखते हैं और फिर मैनेजर इधर हस्ताक्षर कर देता है। ये है क्रेडिट का, क्रेडिट नोट का क्या है, ये क्रेडिट नोट का एक प्रारूप दिया गया। अब देखिए यहाँ पर नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने माल जो वापस किया वो 13,200 रुपये का है, तो देखिए क्रय वापसी वही नीचे बनाई गई है, तो क्रय वापसी में तारीख, डेबिट नोट की संख्या यहाँ पर डाल दी है। ठीक है, आपूर्तिकर्ता का नाम नीमा इलेक्ट्रिकल्स है, इसने यहाँ पर डिटेल नहीं लिखी है। मैंने आपको जो प्रारूप बताया है उसके अंदर हमेशा विवरण लिखते हैं कि आपने 2 टेप रिकॉर्डर या 2 टीवी जो वापस किए हैं तो उसका अमाउंट क्या था, पर रेट क्या लगाई थी, आपने कोई ट्रेड डिस्काउंट पाया था क्या, तो वो सारा ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर विवरण में दिया जाता है। तत्पश्चात जो राशि शेष बचती है उसको हम टोटल कॉलम के कॉलम में, जैसे कि यहाँ पर 13,200 दिया गया है तो आप 13,200 लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने परचेज रिटर्न किसको किया है, नीमा इलेक्ट्रिकल्स को। ठीक है, तो हम एक खाता तो हमारा बनता है लेजर में नीमा इलेक्ट्रिकल्स का और दूसरा खाता किसका बनेगा, क्रय वापसी भाई का। अब बनाते हैं, देखिए दो खाते उसमें किस तरह से पोस्टिंग करेंगे। क्रय वापसी भाई क्या हो रही है, सीआर हो रही है, सीआर हो रही है तो उसके सीआर पक्ष में यानी क्रेडिट पक्ष में जाएंगे, क्या लिखेंगे, क्रय वापसी पुस्तक के अनुसार कितना जोड़ा टोटल 13,200। दूसरा खाता नीमा इलेक्ट्रिकल्स का, नीमा इलेक्ट्रिकल्स क्या हो रहा है, डेबिट पाने वाला निकॉन है, नीमा इलेक्ट्रिकल्स है तो पाने वाला डेबिट है, तो डेबिट साइड में जाएंगे। डेबिट में हमने आपको बताया था लेजर पोस्टिंग में 2 करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो आप लिखे 2 परचेज रिटर्न 13,200। ऐसे ही ऊपर जो हमने पढ़ा है क्रय वापसी भाई, तो उसके अंदर लिखेंगे बाय एज पर परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है पर हमको इंग्लिश में ही लेजर पोस्टिंग करना सीखना होगा, आप इंग्लिश में ही लिखेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, उसके अंदर सीआर में लिखेंगे बाय परचेज एज पर परचेज रिटर्न बुक और 13,200 लिखेंगे।
नीमा इलेक्ट्रिकल का खाता बनाएंगे क्योंकि ये डेबिटर्स के डेबिट पक्ष में जाएंगे, तो लिखेंगे टू परचेज रिटर्न और अमाउंट लिखेंगे 13,200 रुपये। इस तरीके से हम अपनी क्रय बही के अंदर इसकी बही के अंदर लिखेंगे और उसका खाता बही में खतौनी कर देंगे और दोनों खाते बन जाएंगे। तो आपको आज डेबिट और क्रेडिट नोट के बारे में मैंने पूरी तरह से समझाया है किस तरीके से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनाए जाते हैं। ठीक है, क्रेडिट नोट होता है वो आपूर्तिकर्ता बनाता है, डेबिट नोट है जो माल रिटर्न करते हैं यानी ग्राहक बनाता है। ठीक है, दोनों नोटों को बनाकर उनकी संख्या जो है हमारे विवरण के अंदर, जैसे विवरण हमने सीखा है कि हमारा डेट का कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर का कॉलम होता है, उसके बाद में डेबिट को नोट संख्या, इनवॉइस नंबर, ये डेबिट नोट परचेज वापसी में डेबिट नोट नंबर होता है, LF होता है, फिर होती है अमाउंट और डिटेल और अमाउंट। तो आप उसी हिसाब से इस तरह के जो प्रश्न पीछे कल मैंने आपको बताया था, आपके पेज संख्या भी बताई थी 13, 14, 15, 16, ये सब इससे संबंधित प्रश्न हैं। आप इसको सब करते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं बच्चों, आपको ये करना ही होगा तभी आपको समझ में आएगा। कल हम आपके लेक्चर में सेल्स रिटर्न बुक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।